नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मुंबई कहे जाने वाली अब जो पहले बॉम्बे थी, वो दो चीजों के लिए काफी फेमस रही है। पहला है बॉलीवुड और दूसरा है अंडरवर्ल्ड। बॉलीवुड मूवीज के आज जब आ रही वेब सीरीज के क्या इफेक्ट हैं आज के यूथ पर और हमारे बच्चों पर, उस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ और आप लोग उस वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी सपोर्ट आप उस वीडियो पर दिखा रहे हैं। रही बात अंडरवर्ल्ड की, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे शुरू हुआ ये अंडरवर्ल्ड, कैसे खत्म हुआ, क्या आज तक खत्म हो पाया है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां आकर ये खत्म हुआ, सारी चीजें हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। सपनों का शहर कही जाने वाली बॉम्बे 1950 से पहले काफी शांत थी। 1950 में क्या हुआ, बॉम्बे में क्राइम की वजह बन गई थी शराब। शराब की वजह से बॉम्बे में काफी क्राइम हो रहे थे, तो सरकार ने क्या स्टेप उठाया, 1950 में बॉम्बे में शराब पर बैन लगा दिया। अब इसका अंजाम हुआ क्या, बॉम्बे में शराब की स्मगलिंग होनी शुरू हो गई। अब जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस थे और उनके टुकड़ों पर पलने वाले छोटे मोटे गुंडे थे, उन्होंने क्या किया, बॉम्बे में शराब की भट्टियां लगानी शुरू कर दी। और पुलिस भी इस बात से उस टाइम पर वाकिफ थी, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ये पूरा मामला उनके गले का जाल बन जाएगा। तो भट्टियां बॉम्बे में शराब की लगनी शुरू हुई और गैर कानूनी रूप से बॉम्बे में शराब बिकनी शुरू हुई। इसी के साथ गैर कानूनी कामों ने बॉम्बे में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। अब हुआ क्या, शराब की भट्टियां थी बहुत सारी और बॉम्बे था एक। अब कंपटीशन पैदा हुआ, कंपटीशन एक दूसरे में पैदा हुआ तो दुश्मनी बढ़ी। यहां से शुरुआत होती है गैंग बनाने की, एक दूसरे से कंपटीशन की, दुश्मनी की, अपना एरिया बांटने की, और इन सारी परंपराओं की शुरुआत यहां से शुरू होती है। गैंग्स की शुरुआत के साथ साथ और भी गैर कानूनी काम बॉम्बे में शुरू हो गए थे, जैसे अवैध कब्जे जमीनों के, अवैध वसूली, बड़े बड़े फिल्म स्टार पॉलिटिशियंस को धमकियां देना, उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेना। 1970 में ये गैर कानूनी काम अपनी चरम सीमा पर थे। अब उभर कर सामने आए कई सारे नाम और उन नामों में शामिल थे करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन, यूसुफ पटेल जैसे लोग जिन्होंने अपना ही एक वर्ल्ड बना लिया था गैर कानूनी कामों का, जिसको नाम दिया गया अंडर वर्ल्ड। ये वो लोग थे जो मुंबई को अपनी जेब का सिक्का मानते थे और इस पर राज करना चाहते थे, और कई लोगों ने बॉम्बे पर राज भी किया लेकिन गैर कानूनी रूप से। और भी बड़े फेमस नाम सामने आए जो बॉम्बे को अपनी जेब में रखना चाहते थे, जैसे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, मनिया सुरवे, छोटा शकील। इनमें से आपने एक नाम काफी सुना होगा, दाऊद इब्राहिम। मैच फिक्सिंग जैसे कामों को दाऊद इब्राहिम ने बड़ा आम कर दिया था। मैच फिक्सिंग जैसे गैर कानूनी कामों की शुरुआत दाऊद इब्राहिम ने ही की थी। अब ये वो समय था जब वसूली, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स को धमकियां देना, रियल एस्टेट से इलीगल काम करना, ये ऐसे काम दाऊद इब्राहिम ने बॉम्बे में आम कर दिए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटे मोटे गुंडे, छोटे मोटे लोग, हर कोई चाहता था बॉम्बे पर राज करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1950 में शुरुआत हुई थी जब पुलिस ने भी अपना रोल ढंग से नहीं निभाया। अब इतने साल बीत गए, पुलिस की इमेज पर भी ढेर सारे धब्बे और दाग लगने शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे काम से परेशान हो गई थी। डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के एक एपिसोड में हमने कवर किया था बॉम्बे बॉम्बिंग्स 1993। 1993 में हुआ क्या, बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने एक अटैक प्लान किया। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस
पूरे एपिसोड के बाद 1993 में हुई बॉम्बे बॉम्बिंग्स के बाद पूरा सीन ही बदल गया अंडरवर्ल्ड का। 1993 में बॉम्बे में कई जगह पर ब्लास्ट हुए। अब कई लोग अंडरवर्ल्ड में ऐसे थे जिन्होंने पब्लिक के दिल में जगह बना ली थी। लोग, आम जनता भी उन्हें मानती थी कि हाँ ये बहुत ही भला आदमी है, ये हमारे लिए काम कर रहा, बॉम्बे इनका अपना शहर है, ये बॉम्बे के लिए काम कर रहा। लेकिन हुआ क्या, जब 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो लोगों के मन में भी ये आया कि ये लोग हमारे नहीं है, और जो डॉन गैंग्स के मालिक जिनके नाम थे अब उन पर स्टैंप लगा दी गई टेररिस्ट की और देशद्रोहियों की। अब लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि ये देश के दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, और ये बॉम्बे के लिए नहीं सिर्फ अपने लालच के लिए काम कर रहे हैं। 1993 में हुए बॉम्बे में ब्लास्ट के बाद अंडरवर्ल्ड का सफाया शुरू हो गया। उसके दो कारण रहे। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, इनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। दूसरा कारण ये है, देखिए कई बार हर दौर में 1950s, 1960s और 1970s में पॉलिटिशियंस के और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते उभर कर सामने आए, बिल्कुल ओपनली क्रिस्टल क्लियर कि हाँ इस पॉलिटिशियन का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। कनेक्शन बनाने का कारण पॉलिटिशियंस का क्या था, अब आपको पता, हमारे देश में सारा चक्कर वोट बैंक का है, पॉलिटिक्स का है। जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे उन्होंने लोगों के दिल में जगह बना ली थी। अब अंडरवर्ल्ड के लोग पॉलिटिशियंस को पैसे भी देते थे, फंडिंग भी देते थे और वोट भी दिलाते थे कि इस एरिया से इतनी वोट मैं दिलाऊंगा। बदले में पॉलिटिशियंस उनके काले कारनामों पर पर्दा डालते थे। अब 1993 में हुई बॉम्बे ब्लास्ट में इन पर आतंकवादियों का टैग लगा दिया गया, तो अब चाहकर भी पॉलिटिशियंस अंडरवर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते नहीं दिखा सकते, और जिनके साथ थे उन्होंने भी इनका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि देश का दुश्मन कौन बनना चाहेगा, चाहे पैसा कितना भी दे दे लेकिन वोट तो नहीं मिलेगी। अगर देश के दुश्मन का टैग किसी भी पॉलिटिशियंस पर लग जाए तो उसका तो पूरा पॉलिटिकल करियर ही खराब हो जाएगा। तो पॉलिटिशियंस का जो अंडरवर्ल्ड पर हाथ था वो अब अंडरवर्ल्ड के सिर से हट चुका था। उधर मुंबई पुलिस भी काफी बदनाम हो चुकी थी, महाराष्ट्र सरकार पर भी इतना प्रेशर डाल दिया गया 1993 में हुए बॉम्बे ब्लास्ट के बाद कि अंडरवर्ल्ड को साफ करना बॉम्बे से अब उनकी मजबूरी हो गई थी। ना चाहते हुए भी वे अंडरवर्ल्ड को अब उन्हें बॉम्बे से हटाना था, तो एक इनकाउंटर स्क्वाड बनाई गई। पुलिस के कुछ नामी यहां लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और इनकाउंटर का एक सिलसिला बॉम्बे में शुरू हो गया। अब बड़े बड़े क्रिमिनल्स ने भी मुंबई पुलिस के डर से खुद को सरेंडर भी किया है कि कहीं इनकाउंटर में मारे ना जाए। तो अंडरवर्ल्ड का सफाया 1993 के बाद बॉम्बे से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और मुंबई पुलिस पर जो पीछे दाग लगे थे उनको देखते हुए मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड को बॉम्बे से साफ करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कुछ सालों में मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड की जड़ें बॉम्बे से उखाड़ कर फेंक दी। दोस्तों ये थी अंडरवर्ल्ड की कहानी, कहां से शुरू हुआ और कहां पर आकर अंडरवर्ल्ड खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा अगले किसी टॉपिक के साथ, अगली किसी वीडियो के साथ जो आपको ज्ञान दे सके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।